सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल से भाजपा की पहचान हटाने के बाद शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता से माफी मांगते नजर आए। सिंधिया ने अचानक माफी क्यों मांगी, ये किसी के समझ में नहीं आया। वैश्य जैन समाज के सामाजिक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समाज को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान देने की बात कही। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषणों में मंच से हाथ जोड़कर माफी मांग ली। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, मैंने जो भी गलतियां की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। यहां सिंधिया ने किस गलती के लिए माफी मांगी ये स्पष्ट नहीं हुआ। उनके ऐसे अचानक माफी मांगने से सब हतप्रभ रह गए। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमा मांगना, जाने या अनजाने में जिसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। पिछले दिनों सिंधिया ने ट्विटर से भाजपा का रंगोध्वज हटा लिया था। उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि सिंधिया भाजपा से नाराज चल रहे हैं। सिंधिया के करीबी बताते हैं कि इस समय सिंधिया जहां विचार विमर्श के दौर में है और उनकी नजर मध्य प्रदेश की राजनीति और विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।